अगर मन में सच्ची लगन हो और किसी काम करने का जज्बा और जुनून हो तो बड़े से बड़ा काम आसानी से हो जाता है। ऐसा ही जज्बा मुरादाबाद के पर्वतारोही में है, जो अब तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की चार पर्वत की चोटियों पर तिरंगा फहरा चुका है। तिरंगे के साथ साथ भगवा झंडा फहराने के साथ और सीएबी का समर्थन भी माउंट एवरेस्ट चोटी से कर चुका है। मुरादाबाद के बुद्धि विहार कॉलोनी के रहने वाले विपिन चौधरी ने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी और अब एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। एलएलबी का फाइनल सेमेस्टर माउंट एवरेस्ट पर जाने की वजह से पूरा नहीं हो पाया, जो इस बार पूरा करना है। उसके बाद पर्वतारोही का कोर्स किया। विपिन ने पर्वतारोही के रूप में पहली बार अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो चोटी, जो 19,341 फीट है, उस पर 16 दिसंबर 2017 को, 24 जुलाई को 2018 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्बरूम, जो 18,510 फीट ऊंची है, उस पर तिरंगा फहराया और 22 मई 2019 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। विपिन उसी साल फिर से साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोन केगुआ पर जाने की तैयारी कर रहा है। विपिन का सपना है कि वह दुनिया की सबसे ऊंची सातों चोटियों पर तिरंगा लहराए। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भगवा झंडा लहराने के पीछे यह बताया कि वह पिछले 12-13 साल से आरएसएस से जुड़े हैं और इस समय सह महानगर करवा की जिम्मेदारी मिली हुई है। यह एक बहुत महंगा खेल है, इसके लिए सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। हाँ, कंपनी जरूर स्पॉन्सर करती है। विपिन की माँ का कहना है कि विपिन जब पर्वत पर जाता है तो बहुत डर लगता है, लेकिन तब बहुत खुशी होती है जब पर्वत पर तिरंगा लहराने के बाद पता चलता है कि तिरंगा लहराकर वापस आ रहा है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दिल्ली की रिपोर्ट। यात्राएं तो अभी चली रही हैं और भारत से लेके विदेश की मेरी 4 यात्राएं हो चुकी हैं। जैसा कि पर्वतारोहण के अंदर है, एक 7 समिट का चैलेंज होता है। 7 समिट मतलब जो इतने भी अपने सातों महाद्वीप हैं उन सबकी एक अपनी ऊंची चोटी है। तो उसमें से मैंने 4 कवर कर चुका हूँ, जैसे एशिया की एवरेस्ट, अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप की एल्ब्रुस और अब साउथ अमेरिका की अकाउंट कागुआ अभी हाल ही में 13 तारीख को मैं करके लौटा हूँ। तो इसके अलावा मेरी 3 और अभी रह गई हैं, जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिका की देनाली है, एंटार्क्टिका की विंसन मैसेफ है और ऑस्ट्रेलिया की कोसिस्को है। और पर्वतारोहण का शौक केवल पहाड़ों पर घूमने से ही लग गया था। हम पहले ट्रिप लेके जाते थे तो पहाड़ों पे घूमने का शौक लगा और उसी के चलते किसी ने मेरे को फिर बताया कि आप कोर्स कर सकते हैं अगर इसकी और जानकारी चाहिए तो। और फिर कोर्स किया, बेसिक कोर्स किया तो जानकारी लगी कि असल में पर्वतारोहण है क्या। पहाड़ केवल उतने नहीं है जितना हम घूमने जाते हैं और समझते हैं। जब ऊपर तक गए, उसकी सारी टेक्निक जानी, तब समझ में आया पर्वतारोहण है क्या। और उसी दिन मन बनाया कि इस विश्व की सबसे ऊंची चोटी को छूना है और उसी के लिए फिर आगे प्रयत्न किए, कोर्सेस किए और ये सफर अनवरत जारी है, चल रहे आगे। बाकी कोशिश है कि जो अगले टारगेट है वो भी जल्दी कंप्लीट करें। जब पहली बार आपने जो है पर्वतारोहण किया और किसी भी चोटी पे आप गए, तो क्या पहली बार में पहले अटेम्प्ट में ही आपने पार कर लिया या शुरू से ही खेल में विशेष रुचि थी तो फिटनेस वगैरह ठीक थी। तो जब बेसिक कोर्स करने गए, कई बार पहाड़ों पर सांस फूलती है, लगता है कि ऑक्सीजन की जैसे कमी है, तो जब बेसिक कोर्स करने गए तो लगा था शुरू में, लेकिन 7 वाले थे, बाकी लोग थे और मोटिवेट करने वाले, तो हल्के हल्के करते गए। लेकिन ऐसा अभी तक कहीं नहीं हुआ है कि, क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया है और पर्वतारोहण में ऐसा कहते हैं, पहाड़ हैं जो हमें अपने ऊपर आने की आज्ञा देते हैं, यही हैं जो हमें ऊपर तक आरोहण करने देते हैं। नहीं तो कई बार हमारा शरीर बिल्कुल ठीक है, मौसम खराब हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी तक चल रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, अभी तक सब कुछ सफल हुआ है और सीख रहे हैं, आगे भी दौड़ जारी है। अब तक की यात्रा में कोई ऐसा दुर्गम स्थान मिला हो आपको कि ये यात्रा हमारी सबसे ज़्यादा कठिन रही? कई बार शरीर को ऐसा लगा, जैसे कई बार परिस्थिति शरीर की हो जाती है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए। और जैसे कि एवरेस्ट पर मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग हमारे साथ ही नीचे चले जाते हैं, तो मन को बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे साथी नहीं नीचे चले गए। या खबर सुनते हैं, बड़ी निगेटिव खबर आती है कि ऊपर ऐसे किसी के साथ हादसा हो गया, कोई ग्लेशियर में नीचे गिर गया, तो कई बार ऐसा लगता है।
पर फिर ये सोच के कि नहीं, हम जिस काम के लिए आए केवल उस चीज़ पे ध्यान देना है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। क्या इससे माउंट एवरेस्ट से ऊंची कहीं जगह है जहां जाना बाकी है, या माउंट एवरेस्ट ही सबसे ऊंचा था? नहीं, माउंट एवरेस्ट से ऊंची तो कोई जगह नहीं है, लेकिन माउंट एवरेस्ट से हर पहाड़ की अपनी अलग विशेषता होती है, तो अलग अलग महाद्वीप के अलग अलग पहाड़ हैं, तो बाकी और जगह भी कवर करनी है, वो करने की आगे अपना लक्ष्य बना रखा है और जल्दी कवर होंगे आप सबके आशीर्वाद से। अभी रिसेंटली अभी एक यात्रा से आ पाए हैं, कितने लोग, कितने सहयोगी थे और कैसे संभव हो पाता है सारा ये? हमारी 6 लोगों की ये टीम थी जिसके अंदर एक हमारा लीडर था। थोड़ा सा 18 दिन का हमारा जो शेड्यूल था, हमें 11 दिन का करना पड़ा क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था बाद के दिनों में, और इसीलिए हमें थोड़ा सा समिट पुश के लिए जल्दी जाना पड़ा। तो 3-4 क्लाइंबर साथियों की इस चक्कर में तबीयत भी खराब हुई, हालांकि मेरे भी थोड़ी सी डिहाइड्रेशन की वजह से जो सबमिट मैं 11 घंटे में कर सकता था मेरे को 12 घंटे लगे। तो सफ़र ऐसे ही है, कई बार आपका शरीर बिल्कुल ठीक होता है, आप बड़ा आराम से कर जाते हैं दुर्गम चोटियां भी, और कई बार शरीर में कोई दिक्कत आती है तो आप छोटी चोटियों पर भी समस्याएँ आती हैं। तो ये चीज़ केवल ऐसा नहीं है केवल शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से बड़ी मजबूती इसके लिए चाहिए। दूसरा, मौसम ये आपके ऊपर मेहरबान होना चाहिए, तो सब चीज़ों के लिए इसका बहुत ज़रूरी है। तो फिर क्या एजुकेशन, किस तरीके से आपने एजुकेशन लिए, कहाँ तक लिए आपने एजुकेशन? मैंने अपनी ग्रेजुएशन की कॉमर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने BTC का कोर्स किया, टीचिंग कोर्स, और उसके बाद अभी लॉ की मेरे पढ़ाई कर रहा हूँ। लास्ट सेमेस्टर मेरा छूट गया था क्योंकि उस समय मैं एवरेस्ट पर था, तो अब लास्ट सेमेस्टर मेरा मई जून में हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं आगे की पढ़ाई। क्या परिवार का माहौल इस तरीके का है जो आप माउंटेनिंग कर रहे हैं, क्या कोई है बैकग्राउंड आपकी इसकी? नहीं, माउंटेनिंग में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, और पहले घर वालों को पता भी नहीं था तो डरते थे कि ऐसा वो है क्या मतलब पहाड़ों पे जाने का, फ़ोन बंद हो जाता है, चिंता लगी रहती थी। लेकिन अब हल्के हल्के समझ में आ गया कि नहीं, इसी में मन है, तो घर वालों को भी बड़ा सपोर्ट मिलता है, और जानते नहीं बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन उन्हें पता है कि हाँ वहाँ जा रहा है और इसका मन है तो कहीं अच्छी जगह। अच्छा, जानकारी में ये आया है कि माउंटेनिंग में लाखों रुपया खर्च होता है, तो वो किस तरीके से अरेंज किया जाता है, क्या कोई सरकारी मदद आपको मिलती है? महंगा खेल है ये, इसके अंदर जैसे एवरेस्ट के अंदर 25 से 30 लाख का खर्चा आता है, तो खर्चा ऐसे सरकारी से तो मेरे को ऐसी कोई मदद नहीं है। हाँ, कुछ कंपनियाँ स्पॉन्सर करती हैं, प्राइवेट कंपनीज स्पॉन्सर कर देती हैं, कुछ मिलने वालों से सपोर्ट मिलता है, मॉनिटरी सपोर्ट, और समाज के कुछ लोग भी वो आगे बढ़ के आते हैं और सपोर्ट करते हैं अच्छे काम के लिए। परिवार में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं सारे लोग? परिवार में पिताजी हैं, पुलिस में हैं, उपनिरीक्षक, माताजी हैं, गृहिणी हैं, हस्ती संभालती हैं, भैया भाभी हैं, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यही 5 लोगों का परिवार है। अच्छा, जब यहाँ से निकलते हुए जरूर घर वालों को, पापा को, मम्मी को चिंता सताती होगी? हाँ, चिंता तो लगती है कि जा रहा है, क्योंकि खबर सभी लोग सुनते हैं कि एवरेस्ट पे इस तरीके की वो हुई तो, और खतरा है, ये सभी को पता है, लेकिन चिंता रहने के बाद भी वो मेरे को भेजते हैं क्योंकि मन है मेरा, और उन्हें मालूम है कि हाँ इसका मन है, तो ठीक है, इसे मन से भेजो, तो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये एक फोटो सामने आया है, आपने फतेह जब करी चोटी पर, तो आपने एक जो ध्वज फहराया है वो संघ का ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज भी मैं साथ लेके जाता हूँ, और राष्ट्रीय ध्वज, भगवा ध्वज मैं दोनों ही साथ लेके गया, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज तो मेरे लिए ऐसे ज़रूरी है, भारतीय, और बड़े गर्व का विषय होता है। जितनी हमारी थकान होती है हम सब भूल जाते हैं जब हम अपना तिरंगा झंडा वहाँ फहराते हैं। लेकिन जैसा कि मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और मुझे ये मेरे अंदर जो ये राष्ट्रभक्ति वाली भाव है, इसके जगाने के अंदर संघ का एक अहम रोल है, तो उसी ने मेरे को ये राष्ट्रभक्ति वाली चीज़ जगाई कि जहाँ भी जाते हो आप अपने राष्ट्रभक्ति अपने साथ रखा करो, और ऐसा कुछ करो कि जिससे कम से कम इस राष्ट्र का नाम हो। तो उसी के करने के लिए बड़ी प्रेरणा मुझे संघ से मिली, और उसी का फिर वो भगवा ध्वज भी मैं साथ लेके जाता हूँ। एक और फोटो आया है वहीं अपने माउंटेनिंग के दौरान, आप सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट है उसका सपोर्ट का एक जो है वो लिए हुए हैं स्लोगन जी, तो क्या आप क्या मानते हैं इसी? जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रभक्ति वाली बात है, और मेरे को लगता है कि ये राष्ट्रहित में है, तो जो मुझे लगा कि हाँ मेरे को ये बात दुनिया तक पहुंचनी चाहिए कि इस राष्ट्र के लोग इस समर्थन में हैं और मैं अपनी बात वहाँ से कह सकता हूँ,
तो इसलिए मैं वहाँ पे वो बैनर अपने साथ लेके गया था और मैंने वहाँ से उस फ्लैग को दिखाया। कौन सी चोटी थी वो? वो है माउंट एकॉनकागुआ, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, क्या कह लें एशिया के बाहर की सबसे ऊंची चोटी है वो, और अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पड़ती है माउंट एकॉनकागुआ। अब आगे की क्या प्लानिंग है? अब आगे जो मेरे 3 सबमिट रह गए हैं 7 सबमिट में, उसकी प्लानिंग चल रही है, और शायद जून में नॉर्थ अमेरिका की देनाली जो मेरी है उसके लिए टारगेट है। अच्छा, इसमें आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, कि इसमें आगे कैरियर है, क्या सोचा है फिर आपने? कैरियर इसमें, दरअसल कैरियर तो इसमें पहले मन के ऊपर है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं मेरे को इसी के अंदर कैरियर बनाना है, तो एज ए इंस्ट्रक्टर वो किसी इंस्टीट्यूट में लग सकते हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं। कुछ लोग इसके बाद अपना प्राइवेट ट्रैकिंग एजेंसी खोलते हैं, प्राइवेट ट्रैकिंग एजेंसी चलाते हैं, और कई जगह सरकारों ने गवर्नमेंट उसके अंदर उन्हें जॉब्स भी ऑफर की हैं और गवर्नमेंट जॉब्स दी हैं। हरियाणा में DSP इंस्पेक्टर पोस्ट तक लगाए हैं, ऐसी महाराष्ट्र में लगाए हैं, और काफ़ी जगह काफ़ी गवर्नमेंटों ने पॉलिसी बना रखी है माउंटेनिंग को लेकर। अम्मा जी बेटे हैं आपके विपिन, बड़ी दूर दूर की बड़ी ऊंची ऊंची यात्राएं कराएंगे। हाँ जी, कैसा लगता हैगा? बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको आपकी सपोर्ट मिलती है ना, या आप जब ये यात्रा पे जाते हैं तो फिक्रमंद हो जाते हैं? अब फिक्र तो थोड़ी होती है, मगर जब इसकी खुशी है तो हम भी इसकी खुशी में वो रहते हैं। अब मान लो हम इसे मना करें तो इसका भी मन वो होगा, हमारा भी होगा, इसे हम चाहते हैं ये भी, जब इसका इच्छा है तो हम इसकी उसमें वो रखें। जब ये पहली बार गए थे तो कैसा लगा था आपको? नहीं, थोड़ा वो तो होती है, घबराहट होती है, नहीं वो होता, लेकिन देखो वो ही सोचते हैं जो होना वो कहीं भी हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे जब ये पहुंचे थे, उसके बाद आपको जो सूचना मिली होगी तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब एक बार फिर ये अभी एक यात्रा करके आए हैं, आगे का प्लान है तो घर की तरफ से सपोर्ट मिलता है, या आप कहती हैं भाई बहुत हो गया, अब रहने दीजिए? नहीं जी, हम तो यही कहते हैं जब इसकी इच्छा है तो अपनी कर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।